नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोल रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो काफी दिनों से आप लोगों को सवाल जवाब की वीडियो नहीं मिली, तो सोचा चलो आज सवाल जवाब की वीडियो आप लोगों पर बनाकर दे दी जाए, क्योंकि काफी सवाल काफी टाइम से आ रहे हैं। तो या तो ये कोशिश करूंगी कि आपके, क्योंकि सवाल अगर फ्राइडे को ही सवाल के जवाब देती हूँ तो बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, तो आपको वीडियोस कैसे मिले आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर बता दें, जिससे कि सिर्फ चार पांच आपके सवाल हों और उसके मैंने जवाब दे दिए और वीडियो बन जाए। तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे ज़रूर बताना। तो जी पहला सवाल ले लेते हैं। तो जी पहला सवाल है शिवा का कि मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं। एक बार मैं लड्डू गोपाल जी को मंदिर से नीचे से उतार रहा था, तभी उन लड्डू गोपाल जी मेरे हाथ से छूट गए विग्रह है और वह गिर गए और उनका पांव टूट गया। मैं उनको सही भी करा लिया, बट गोपाल जी की सेवा कर सकता हूँ ना? आपकी, आप ही बताएं मैम। तो जी अगर आपके भाव उन्हीं ठाकुर जी में है, क्योंकि हर चीज़ भावों के ऊपर होती है, ऐसा नहीं कि एक विग्रह है आपके घर में, मान लो बाल गोपाल ही है, उनको आप एक बच्चे की तरह उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं, उसके बाद अगर हाथ पैर खंडित हो जाए तो आप उन्हें कहीं विसर्जित करवाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाल गोपाल की सेवा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सवाल है गिली ब्लॉग्स का, फिर सवाल है गिली का। नमस्ते मैम, मेरी इच्छा लड्डू गोपाल लेने की है और मेरी पढ़ाई होने की वजह से मैं लड्डू गोपाल नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि उसकी कड़ी से कड़ी सेवा करनी पड़ती है, उनका खाना पानी कपड़े साथ के साथ टाइम टू टाइम पड़ता है। मेरी इच्छा लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी नानी के भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा, तो अब मैं क्या करूं? तो जी आपके मन में ठाकुर जी की सेवा का भाव आया, इसका मतलब ये है कि ठाकुर जी आपसे अपनी सेवा लेना चाहते हैं। तो जी ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी कड़ी से कड़ी सेवा करनी पड़ती है, तो हम ठाकुर की जी की या हम भगवान की हम क्या सेवा कर सकते हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं? जब हम खुद भगवान से सब कुछ मांगते हैं तो हमारी तो इतनी औकात है ही नहीं कि जो हम भगवान को कुछ दे सकें। हाँ, हमारे अपने भाव होते हैं प्रभु के लिए, वो हम उन्हें अर्पित करते हैं, और जो प्रभु होते हैं वो पूरी तरीके से भाव के ही भूखे होते हैं। तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं, आप बाल गोपाल अपने घर में लेकर आ सकते हैं। और रही बात सेवा की, आप अपने भावों से उनकी सेवा करें तो आप देखेंगे कि आपकी सेवा जो है सफल हुई है। फिर सवाल है शिवा का कि राधे राधे मैम, दो दिन पहले मेरे सपने में बिहारी जी आए, उनकी वुडन फोटो थी और पंडित जी उनकी आंखों का श्रृंगार कर रहे थे, पर मैंने बोला इनकी आंखों का रंग सफ़ेद है, काला करो इसमें से, इसके मैं उनकी अपने काला करो इन मैं उन्हें अपने पर्स में डाल लेती हूँ और मैं वहाँ पंडित जी से पीला पटका मंगाती हूँ तो वो मुझे दे देते हैं, पर जब मैं मंदिर से बाहर निकलती हूँ तो मेरे पास पर्स में पीला पटका तो होता है पर बिहारी जी की फ़ोटो नहीं। प्लीज़ मुझे बताइए इसका क्या अर्थ है। तो जी बिहारी जी ऐसा कोई है कि बिहारी जी को आप अपने घर ले आओगे या बिहारी जी के मंदिर में गए हो तो बिहारी जी को वहाँ से उठाकर ले आओगे, क्योंकि ये बहुत टेढ़े हैं, इनकी हर बात टेढ़ी है और इनकी हर बात में कोई ना कोई राज होता है। हाँ, बिहारी जी का पीला पटका आपको मिला तो ये शुभ संकेत है, और आप उनकी अगर सेवा नहीं कर रहे हैं बाल गोपाल की तो आप उनको लाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। तो वैसे जो भी आपको सपना आए सपना अच्छा है। फिर सवाल है प्रियंका का कि दीदी मैंने गुरु दीक्षा ली थी, गुरु मंत्र याद नहीं, क्या करूं? तो जी गुरु मंत्र याद नहीं है तो गुरु दीक्षा आपने ली थी तो इसका मतलब यही है कि आपने गुरु दीक्षा ली, लेकिन लगातार आपने दीक्षा लेने के बाद भी उनके मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, इसीलिए आपको गुरु मंत्र जो है वो याद नहीं है। तो जी अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए, जितना मुझे पता है, तो आप श्री राधा या हरे राम राम, या आप हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। फिर सवाल है हर्ष का कि राधे राधे मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मैं कान्हा जी को दूध का भोग लगाने गया तो वो ले जाते पे थोड़ा गिर गया, पर इतना भी नहीं गिरा कि भोग ना लगा सकूं, तो क्या मैं उसका भोग लगाना चाहिए? तो जी बिल्कुल क्यों नहीं भोग लगाना चाहते हो, भोग लगा सकते हो। तो ठाकुर जी की कई बार भोग की थाली भी गिर जाती है तो आप नई थाली लेके भोग लगा दें, कोई बात नहीं। ऐसा होता है कि वो हमारे परमात्मा है, वो छोटे से छोटे जीवों का भी ध्यान रखते हैं। हो सकता है आपने जो जमीन आपसे जो ज़मीन में दूध गिरा, कोई वहाँ
ऐसा अजीब होगा, छोटा छोटा महीन से महीन, जिसे भूख लगी होगी तो ठाकुर जी ने आपसे दूध गिरा दिया, उसने दूध पी लिया। तो ठाकुर जी तो सबका ध्यान रखते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसमें से दूध गिर गया तो आप भोग नहीं लगा सकते, आप भोग लगा सकते हो। फिर सवाल है रूबी शर्मा का कि संडे को तुलसी पर दिया नहीं लगाना चाहिए। जो तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुलसी में दिया आप लगा सकते हो। फिर सवाल अलका रानी का कि मुझे संतान नहीं है, 8 ईयर हो गया है शादी को, कोई उपाय बताए। तो जी ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो प्रभु के हाथ में होती हैं, तो आप बाल गोपाल की सेवा करें, बाल गोपाल से प्रार्थना करें कि आपको संतान दे। और हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं होता, जब ईश्वर चाहते हैं तभी हमें वो चीज़ मिलती है, और जो हमारे लिए अच्छी होती है वही चीज़ प्रभु हमें देते हैं। तो वो तो ठाकुर जी जाने उन्हें क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन बाल गोपाल की सेवा करें तो निश्चय ही, तो बाल गोपाल की सेवा करें तो निश्चित रूप से आपके घर में भी बाल गोपाल या राधा रानी आएंगी। फिर सवाल है जी, फिर नीतीश वर्मा का है कि एकादशी की जो सेवा है सुबह से लेकर शाम तक जो दिनचर्या शेयर करें, तो जी बिल्कुल आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलेगी, या जब एकादशी आने वाली होगी एकादशी से पहले या एकादशी का जो व्लॉग है वो आपको मिलेगा। फिर सवाल है, इसमें आपका कोई नाम नहीं है, प्लीज़ रीड फुल कमेंट, आई नो कमेंट इज़ टू लॉन्ग दी। मेरा सवाल है कि कौन सा मंत्र से कान्हा जी की माला करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र से जाप करना इतना पसंद नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता उस मंत्र से माला करने को, क्योंकि उसमें कहीं कृष्णा जी का नाम नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती मंत्र। अब बताओ कौन सा करूं। और बहुत लोग बोलते हैं कि महामंत्र की माला कर सकते हो, पर उस मंत्र में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि वो 2 लाइन का मंत्र है, तो मैं माला का मन के पर वो मंत्र जाप करने में भूल जाती हूँ। प्लीज़ मार्गदर्शन करो कौन सा मंत्र जाप करूँ, मेरे को बड़ी टेंशन रहती है। तो जी आपने बोला कि उसमें कृष्णा का नाम नहीं आता, तो किसने कह दिया ओम नमः भगवते वासुदेवाय, वो वासुदेव जी के पुत्र हैं तो उनका एक नाम वासुदेवाय भी है, वो कृष्णा जी ही हैं। बाकी रही बात, आपने कहा कि सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जब तक आप भेद करते रहेंगे कि इस मंत्र में कृष्ण का नाम नहीं है, ये मंत्र बहुत लंबा है, तो जी इन चक्रों में जब जब पढ़ेंगे तब तब आपकी जो संतुष्टि है नहीं होगी। प्रभु का नाम लें, कैसे भी ले लें, हरे कृष्णा बोल दें, जरूरी तो नहीं कितना लंबा नाम आपने लेना है, हरे राम बोल दें, हरे कृष्णा बोल दें, श्री राधे बोल दें, हरे कृष्णा राधे बोल दें, तो जो भी बोलें आप अपने भाव से बोलें। और जरूरी नहीं है कि आपको 16 माला या 15 माला करनी है। जब भगवान ने हमें हर चीज बेशुमार दी है, अनगिनत चीज़ें हमें दी है, तो हम उसका माला जाप गिन कर क्यों करें। क्यों ना हम नियम ऐसा बनाए कि हर वक्त हमारे प्रभु का नाम हमारे जिह्वा पर हो, वो नाम जाप इतना अच्छा हो जाए कि वो सिमरन में बदल जाए, अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो हमारे अंतर मन में वही जाप हो, वही मंत्र हो। तो मैं तो खैर इस हक में नहीं हूँ कि जो नाम जाप है गिनकर करने चाहिए, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नजरिया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगी, जब मेरे प्रभु ने मुझे अनगिनत दिया है, बेशुमार दिया है, तो मैं उनका नाम गिनकर क्यों लूँ। फिर सवाल है जसमीत का कि मैम प्लीज़ टेल हाउ टू बिकम हेल्दी एंड मेक बॉडी विदाउट जिम एंड प्रोटीन पाउडर प्लीज़। तो जी आप हेल्दी कैसे रहना चाहते हो, आजकल तो वैसे हेल्दी तो कोई चीज़ है भी नहीं, क्योंकि हर चीज़ में पेस्टिसाइड्स होता है। बाकी योग करें, ध्यान करें और सैर करें, उसके बाद भूख लगती है, फिर उसके बाद आपको, जैसे अगर आप बहुत दुबले पतले हैं तो आपको थोड़ा मीठा खाने की जरूरत है, हल्का मीठा, ये नहीं कि पूरा दिन ही मीठा खा लो, शहद का मीठा होता है या जो फ्रूट होते हैं जिनमें ज़्यादा मीठा होता है आप वो खा सकते हैं। बाकी जो आलमंड्स होते हैं, बाकी जो बादाम वो खा सकते हैं, बाकी प्रोटीन पाउडर घर का बना लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, जिस चीज़ में ज़्यादा प्रोटीन हो, मूँगफली आप ले सकते हैं, मूँगफली आप दिन में अपने जो आहार जो भी खाना खाते हैं उसमें शामिल कर सकते हैं, स्प्राउट्स आप उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, दाल चावल ये सब आप अपनी जो डाइट है उसमें शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्दी डाइट मिले। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है, जिम नहीं, क्योंकि जिम के लिए मैं खुद नहीं बोलती कि जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अपनी अपनी सोच है, कुछ लोग जाना पसंद करते हैं कुछ नहीं,
मैं योग और ध्यान और वॉक करना पसंद करती हूँ, तो मैं भी आपको ये कहूँगी कि आप योग करें, ध्यान करें और जो सैर है वो करें, जिससे कि आपका जो सेहत है अच्छी बनी रहे। फिर सवाल है ललित कुमार का कि प्लीज़ तुलसी पूजा पर फुल डिटेल वीडियो शेयर करो। तो जी बिल्कुल, आपको तुलसी पूजा पर फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगी। फिर सवाल है प्रीति का कि पूर्णिमा के व्रत में खाने में क्या खाना चाहिए, प्लीज़ बताएं। तो जी पूर्णिमा के व्रत के में आपको आप नमक वाला भोजन कर सकते हैं, सेंधा नमक का खाना खा सकते हैं, जो नॉर्मल जो नमक होता है उसका खाना भी खा सकते हैं। कुछ लोग दिन में भी एक आध बार जैसे नमक वाला भोजन का मतलब भोजन तो नहीं कह सकते, आप जैसे दही नमक वाली ले लेते हैं सेंधा नमक की, या चिप्स वगैरह खा लेते हैं, वो उनकी इच्छा, क्योंकि हर इंसान अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत करता है। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अगर कोई भी व्रत हम करते हैं तो पूरे दिन में नमक का सेवन एक बार ही करना चाहिए, बाकी भोजन आप कोई भी कर सकते हैं। सात्विक भोजन होना चाहिए, बिना प्याज और लहसुन का भोजन होना चाहिए, और चंद्र देव को जल देने के बाद ही जो पूर्णिमा का व्रत है वो खोला जाता है। और पूर्णिमा के व्रत में भी जैसे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बनता है, आटे का कसार और पंचामृत उसका भी प्रसाद बनाया जाता है। फिर सवाल है यूजर का कि राधे राधे मैम, आई एम वॉचिंग योर वीडियो सिंस वेन यू अपलोडेड फर्स्ट जन्माष्टमी वीडियो ऑफ बालगोपाल, एंड बस यही बोलना था कि वैसे तो आप पर गोपाल जी की ही कृपा है ही, और हमेशा बनी रहे और आप हमेशा खुश रहो और हेल्दी रहो। मैं एक बच्चा हूँ, मैंने आपसे पूजा, भगवान, भावों, सेवा और बिहेवियर के बारे में काफ़ी बातें सीखी है, बस आपको थैंक यू बोलना था। तो जी धन्यवाद तो आप सब लोगों का जो आप वीडियोस देखते हैं, देखने के बाद उसके ऊपर आप अमल भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है, सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, उसने बोलना था वो बोल गया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो थैंक यू आपका कि आपने जो सुना, आपने जो देखा, आपने उन चीज़ों को अपने अंदर उतारा। फिर सवाल है लक्ष्मी नारायण का कि लड्डू गोपाल जी को कौन सी ड्रेस पहनानी चाहिए रेगुलर वीक में। तो जी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन फिर से बता देती हूँ, मंडे टू संडे, सोमवार को भगवान चंद्रमा का दिन होता है, शंकर भगवान का दिन होता था, सफ़ेद कपड़े पहनाए जाते हैं। मंगलवार को ऑरेंज पहना सकते हो, बुधवार को हरा, वीरवार को पीला, शुक्रवार को पिंक कलर का, शनिवार को नीला या काला, और संडे के दिन आप रेड कलर की पोशाक बाल गोपाल को पहना सकते हो। फिर सवाल है शिवा लड्डू का कि राधे राधे मैम, हरे कृष्ण, लड्डू गोपाल जी को कितनी बार भोग लगाना चाहिए। तो जी जो लड्डू गोपाल जी को भोग है, आप देखें कि आपने नियम कैसा लिया है, जैसा आपने नियम लिया है आपको हमेशा उसी नियम से जो सेवा है उनकी करनी पड़ेगी। जो मेरा नियम है वो सुबह उठ के जैसे ठाकुर जी को स्नान करवा के दूध का भोग लगाया जाता है, दोपहर में उनको अन्न का भोग लगाया जाता है, फिर शाम के समय फिर उनको घर में जो दूध चाय या कोई फल या बिस्किट वगैरह का भोग लगाया जाता है, रात में उनको सुलाने से पहले उनको दूध का भोग लगाया जाता है। फिर सवाल है मेरे लड्डू का ये कि राधे कृष्णा जी, मेरा सवाल है कि भगवान को भोग आरती से पहले लगाया जाता है, बाद में तो जी जो भोग है आरती के बाद ही लगाया जाता है। फिर एक दो सवाल काफी टाइम से आ रहा था कि मैम, जो हम भगवान जी के लिए पैसे निकालते हैं उन पैसों का क्या करना चाहिए, क्या ठाकुर जी के लिए उन पैसों का सामान लेकर आ सकते हैं। तो जी बिल्कुल, भगवान के लिए जो पैसे निकालते हैं उनसे उनका सामान भी लेकर आ सकते हो, तो लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो वो होगी जब आप उन पैसों से किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो, या किसी के घर राशन डलवा दिया, या किसी की लड़की की शादी है, तो आप उनमें से पैसे निकाल कर उनको दे सकते हैं। इससे हमें दो फायदे होंगे, एक तो हमारे अंदर अहम का भाव नहीं आएगा, यानी कि हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा कि मैंने उस बच्चे की शादी में इतना दिया, या मैंने किसी भी ज़रूरतमंद को इतना दिया। क्यों इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो भगवान के नाम के पैसे निकाले हुए थे, तो जो किया प्रभु ने किया। फिर सवाल था रोनी अलंकार का कि पीरियड में भी तुलसी माला पहन सकते हैं क्या। तो जी बिल्कुल, जब पीरियड्स आते हैं तो तुलसी माला पहन सकते हैं, उसके बाद तुलसी माला को उतार कर जब पीरियड्स ठीक हो जाएँ तो गंगा जल डालकर उनकी पूजा करके फिर से आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी में बहुत गुण होते हैं। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी होती है, अगर कोई महिला उस तुलसी के पौधे के पास से भी गुजर जाए तो उसके अंदर से इतनी अच्छी ऊर्जा आती है कि हमारे
तो उसके अंदर से इतनी अच्छी ऊर्जा आती है कि किसी भी स्त्री को जैसे माहवारी में यानी कि पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो मात्र उसके पास से चलने से ही हमें वो प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाती है या उसमें हमें आराम मिलता है। फिर सवाल है प्रवेश का कि राधे राधे दीदी प्लीज़ बताएं भागवत गीता पढ़ने का नियम और हम कितने दिन में पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ें, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए दीदी। राम तुलसी माला पहनकर सो सकते हैं यानी तो जी तुलसी माला पहनकर सो सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया। रही बात की भगवत गीता पढ़ने का नियम क्या है, भगवत गीता पढ़ने का नियम यही है कि सबसे पहले आप अपने आप मुंह हाथ धोकर जब आपने वो गीता पढ़नी है सामने रखें, उसके सामने हो सके तो देसी घी का दिया जलाएं, धूप जलाएं, उसके बाद हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मैं ये जो गीता पढ़ रहा हूँ ये मुझे समझ में आई और गीता पढ़ते हुए मेरे अंदर भी ज्ञान आई। तो बस ऐसा पढ़ते हुए आप गीता के अध्याय पढ़ना शुरू करें, तो ऐसा नहीं कि एक बार में आपको गीता समझ आ जाएगी, जितनी बार आप गीता पढ़ेंगे उतनी बार आपको जो गीता है वो नई लगेगी, क्योंकि इसको एक पूर्ण रूप से एक मैनेजमेंट बुक बोला जाता है। ये हमारे जैसे कि जितनी बार आप पढ़ोगे, जैसे हम कोई प्रॉब्लम में है या कोई हमारे समस्या आ गई है और हमने गीता पढ़नी शुरू की है तो हमारी उस समस्या का समाधान भी हमें उस गीता में मिल जाएगा। तो गीता का एक अध्याय आप रोज करा करें और बड़े मन से करें, बड़े भाव से करें, जो जो उसके अंदर लिखा हो उसे अपने भीतर उतारने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि आपने बस जितने भी इसके अध्याय जल्दी से जितने दिन भी पढ़े उसके बाद ख़त्म कर दिया। कोई भी ग्रंथ, कोई भी वेद पढ़ने का तब तक फ़ायदा नहीं होता जब तक हम उसकी अच्छाइयों को अपने भीतर नहीं उतार लेते हैं। तो जी गीता पढ़ें, उसके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं आप उसे अपने जीवन में जरूर उतारें। तो जी ये थे आप सभी लोगों के सवालों के जवाब, और जितने भी थे सभी के सवालों के जवाब दिए और जो पहले से सवाल आए हुए थे उनके सवालों के भी जवाब मैंने दिए। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आए होंगे, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।